you there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. YouTube channel Vinash Tech में आपका स्वागत है. आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको रेफ्रिजरेंट 410A का जो SP स्विच है वो कैसे काम करता है, उसका फंक्शन क्या है और उसके इंटरनली कंपोनेंट्स कैसे लगे होते हैं, इसके बारे में आपको बताने वाला हूं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है जो कि हमारे एयर कंडीशनिंग में हाई साइड यानी डिस्चार्ज साइड में लगा होता है, जो डिस्चार्ज लाइन रहता है रेफ्रिजरेंट का उसमें लगा होता है. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि ये कैसे काम करता है. तो जैसे कि आपके रेफ्रिजरेंट का प्रेशर जो हाई होगा यानी किसी भी वजह से आपके रेफ्रिजरेंट का प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, सेफ्टी डिवाइस जो है एचपी स्विच आपके यूनिट को बंद करा देगा यानी आपके कंप्रेसर को बंद करा देगा, इसी जिसकी वजह से आपका कंप्रेसर सेफ हो जाएगा. तो ये बढ़ता कैसे है वो मैं आपको बता देता हूं. तो जैसे कि मान लीजिए आपके एयर कंडीशनिंग में जो कंडेंसर फैन मोटर लगा होता है वो किसी वजह से वो खराब हो गया या फिर आपका जो कंडेंसर कॉयल है वो ज्यादा डर्टी है तो आपके रेफ्रिजरेंट का प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर आपने किसी ने ओवरचार्ज कर दिया, कोई टेक्नीशियन ओवरचार्ज कर दिया रेफ्रिजरेंट का, तो भी ये प्रेशर बढ़ जाएगा जिसकी वजह से आपका जो एचपी स्विच है आपके कंप्रेसर को ऑफ करा देगा. तो इसका प्रेशर कितने प्रेशर पे काम करता है ये मैं आपको बता देता हूं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके दो मोड होते हैं, ओपन और क्लोज. ये कितने पीएसआई पे क्लोज होता है और कितने पीएसआई पे ओपन होता है ये मैं आपको बता देता हूं. तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 550 पीएसआई पे ये जाके ओपन होता है. जी हाँ फ्रेंड्स, आपने सही सुना है, 550 पीएसआई पे एचपी स्विच जो है वो 410A का ये ओपन होता है. और जैसे ही ये ओपन होगा आपका कॉन्टेक्ट जो है आगे नहीं जाएगा, यानी जो पावर इन हो रहा है इसमें वो आउट नहीं होगा क्योंकि इसकी वायरिंग जो है वो सीरीज में होती है. और जब पावर आउट नहीं होगा तो आपका पीसीबी को आपको कमांड नहीं जाएगा, जब पीसीबी को कमांड नहीं जाएगा जिसकी वजह से आपका कॉन्टेक्टर को भी कमांड नहीं जाएगा, जब कॉन्टेक्टर को कमांड नहीं जाएगा तो आपका जो कंप्रेसर है वो रन नहीं होगा. और इसी तरीके से हम बात कर लें कि ये कितने पे क्लोज होता है, कितने पीएसआई पे क्लोज होता है. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये 450 प्लस माइनस 10 पीएसआई पे ये जो है क्लोज होता है. और जैसे ही ये क्लोज होगा तो आपके पीसीबी को डिमांड जाएगा, और पीसीबी को डिमांड जाएगा तो आपका पीसीबी क्या करेगा, आपके जो कंप्रेसर का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है उसको एनर्जाइज कर देगा, उसके बाद से आपका जो है कंप्रेसर जो है वो रन होने लगेगा. तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है. और इसके इंटरनली कंपोनेंट्स कैसे लगे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ. तो सिंपली मैं आपको एक डायग्राम की मदद से बता देता हूँ ताकि आप डायग्राम देखेंगे तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा. तो फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी से डायग्राम पे लेके चलता हूँ और वहां पे आपको अच्छे से बता देता हूँ कि इंटरनली कंपोनेंट्स कैसे होते हैं और वो कैसे काम करता है. तो फ्रेंड्स, हम आपको डायग्राम पे लेके चलते हैं. तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 410 का एचपी स्विच का इंटरनल डायग्राम है वो इस तरीके से होता है, इसके कुछ इस तरीके से कंपोनेंट्स लगे होते हैं. तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये क्लोज मोड है और ये ओपन मोड है. तो क्लोज मोड में आपका जो पीएसआई रहेगा 450 पीएसआई रहेगा एचपी स्विच का, 450 प्लस माइनस 10 पीएसआई रहेगा. तो ये आपका जो प्लेट लगा हुआ है ये आपस में ये चिपक जाएगा, ये कॉन्टेक्ट बन जाएगा. जैसे ही ये कॉन्टेक्ट बनेगा तो ये पावर जो इन हो रहा है वायर वन से ये वायर टू से आउट होने लगेगा. और जो अब आउट होगा पावर तो आपके पीसीबी को डिमांड जाएगा, जब पीसीबी को डिमांड जाएगा तो आपका पीसीबी जो है आपके कंप्रेसर का जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ उसको कमांड देगा, जब उसको कमांड देगा तो आपका जो है कॉन्टेक्टर एनर्जाइज हो जाएगा. जैसे आपका कॉन्टेक्टर एनर्जाइज होगा आपका कंप्रेसर रन हो जाएगा. इसी तरीके से हम बात कर ले कि जब आपके सिस्टम में प्रेशर ज्यादा होगा, जैसे कि 500 प्लस माइनस 10 पीएसआई होगा किसी भी वजह से, जैसे मैंने आपको बताया कि आपका कंडेंसर फैन खराब है या आपका कंडेंसर कॉइल चोकअप है, तो इसके वजह से आपका जो है प्रेशर जैसे ही वो बढ़ेगा तो आपका ये जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये कॉन्टेक्ट बना हुआ है ये कॉन्टेक्ट जो है छूट जाएगा. जैसे ये कॉन्टेक्ट छूट जाएगा तो ये पावर जो इन हो रहा है वो आउट नहीं होगा, जो पावर आउट नहीं होगा तो आपके पीसीबी को कमांड नहीं जाएगा, जब आपके पीसीबी को कमांड नहीं जाएगा तो आपका जो कॉन्टेक्टर लगा हुआ है कंप्रेसर का उस पे भी पावर नहीं जाएगा, जब उस पे पावर नहीं जाएगा तो एनर्जाइज नहीं होगा, जब एनर्जाइज नहीं होगा तो आपका कंप्रेसर रन नहीं होगा, ऑफ मोड में चला जाएगा. तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है और एक तरीके का बेस्ट सेफ्टी डिवाइस है हम बोल सकते हैं, क्योंकि हम लोग आज के टाइम में सब लोग एचपी और एलपी स्विच जो है यूज कर रहा है. तो फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से काम करता है और उम्मीद है कि आपको आपका सारा कुछ जो शंका है, आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा. तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें. थैंक यू.